दिल्ली में सीलिंग की कार्रवाई को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजनीति से ऊपर उठकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन तो पहुंचे, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक से खुद को किनारा कर लिया। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? मीटिंग के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए और बीजेपी की नीति और नियत दोनों को एक झटके में कटघरे में खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और कोशिश ये थी कि सब मिलके संसद में जो बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, नगर निगम में जो बैठे हैं, सब मिलके कुछ आवाज़ दिल्ली के लोगों के लिए उठाएं और उसका कोई समाधान निकालें। लेकिन बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस ने तो इस बैठक में आना स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक में आने की जगह राजनीति की। ये तो हर कोई जानता है कि बीजेपी शासित एमसीडी की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के व्यापारियों का काम धंधा चौपट हो चुका है। आम आदमी पार्टी पहले दिन से कह रही कि एमसीडी बीजेपी है, डीडीए भी बीजेपी के अंतर्गत आती है, केंद्र में भी मोदी की सरकार है, अध्यादेश लेकर आइए, दो मिनट में समाधान हो जाएगा। लेकिन नियत में जब खोट हो तो फिर कैसे कोई काम होगा? डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि सीलिंग की कार्रवाई के पीछे बीजेपी है और ये दिल्ली में एफडीआई लागू करना चाहते हैं। चाहे तो एक दिन में समाधान लाके दे सकते हैं, इसका एक कानून लाके, जो भी जरूरी कानून है, अभी तो संसद का सत्र भी चल रहा है। लेकिन जो पीछे से बात समझ में आ रही है, सीलिंग तो एक तरह का व्यापारियों की जिंदगी हलकान करके, दिल्ली के व्यापार पूरे बिजनेस सिस्टम को हलकान करके, कुल मिला के जो भारतीय जनता पार्टी की नजर है आज उनके नहीं आने से यह और साफ हो गया कि बीजेपी नहीं चाहती है कि केंद्र सरकार की तरफ से इसका कोई सॉल्यूशन निकले। क्योंकि असली मकसद जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो है एफडीआई को एस्टेब्लिश करना, दिल्ली के व्यापारियों को बर्बाद करके एफडीआई का पूरा रास्ता साफ कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि सीलिंग की कार्रवाई बिना अध्यादेश लाए नहीं रोकी जा सकती है और ये अध्यादेश बीजेपी को लाना है, लेकिन बीजेपी अध्यादेश लाने में आनाकानी कर रही है, बल्कि सीलिंग की कार्रवाई को परोक्ष रूप से समर्थन भी कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के व्यापारियों को राहत कैसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट न्यूज़ लाइव।